दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोको C31 स्मार्टफोन में कैमरा जूमिंग टेस्ट और दोस्तों देखने वाले हैं इसमें जो जूमिंग क्वालिटी है वो कैसी आती है। तो जैन दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत हमारे निकू लॉक टुडे चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको C31 स्मार्टफोन के जूमिंग टेस्ट के बारे में कि इसको जो जूमिंग है वो कैसी आती और दोस्तों कैसी क्वालिटी आती है। तो सिंपली हम सबसे पहले कैमरा ओपन करते हैं। कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक कार जा रही है सामने से, तो हम सिंपली इसकी जूमिंग करेंगे। तो मैं साइड बटन से जो है यहां पर वॉल्यूम बटन से यहां पर जूमिंग करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं फोकस करता हूं यहां पर 1x करता हूं और 2x जूमिंग करता हूं, 3x करता हूं, 4x करता हूं, 5x करता हूं, यहां से धीरे धीरे ऐसी जूमिंग बढ़ाते जाऊंगा 7x, 8x, 9x और दोस्तों यहां पर मैं कर दूंगा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरी 10x जूमिंग यहां पर कर दूंगा। तो आप यहां पर करते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर पूरी 10x जूमिंग यहां पर हो चुकी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कार कितनी दूर है और दोस्तों यहां पर आपकी 10x जूमिंग में कार यहां पर शो हो रही है। मतलब इस आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको फोकस करके मैं दिखाता हूं कि कार कितनी दूर है और दोस्तों यहां पर जो कार है वो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं कार का, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको जूमिंग यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों यहां पर इसके जो पिक्सल्स हैं कुछ पिक्सल्स यहां पर इसके फट रहे हैं कुछ इस तरीके से, आपको थोड़ा जूमिंग करके यहां पर बताता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके जो पिक्सल्स हैं थोड़े यहां पर फट रहे हैं। मतलब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अभी मैं थोड़ा फोकस करता हूं यहां पर जूमिंग करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अभी जो जूमिंग है 8x में पूरी कर देता हूं और 8x में आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर 8x में कुछ इस तरीके की जूमिंग आपको यहां पर दिखाई दे रही है। मतलब थोड़े थोड़े यहां पर पिक्सल्स फट रहे हैं, ज्यादा नहीं फट रहे हैं, लेकिन 10x की जूमिंग करेंगे तो आपके ज्यादा पिक्सल्स यहां पर फटेंगे। अभी मैंने 8x की फोटो में 8x की जूमिंग में यहां पर एक फोटो क्लिक कर लिया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैं अब करता हूं 5x और जूमिंग, तो 5x की जूमिंग में एक यहां पर फोटो क्लिक कर लेता हूं मैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं 5x की जूमिंग में यहां पर कुछ इस तरीके से मैं फोटो क्लिक कर लेता हूं। आपको यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं मैंने फोटो क्लिक कर ली और दोस्तों यहां पर कुछ बाइक आ रही है, यहां पर कार भी आप देख सकते हैं, इसमें कार बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अब मैं डाउन करता हूं पूरी 1x 2x यहां पर कर लेता हूं और दोस्तों यहां पर पूरी 0 कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब मैं थोड़ा यहां पर जो स्काई की भी फोटो यहां पर क्लिक कर लेता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं स्काई को मैं थोड़ा जूमिंग करता हूं। स्काई को जूम करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पूरी यहां पर 10x की जूमिंग हो चुकी है और आपको स्काई कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मतलब यहां पर इसके जो पिक्सल्स हैं यहां पर इसके पिक्सल्स फट रहे हैं। दोस्तों 10x की जूमिंग में आपको यहां पर पिक्सल्स फटते हुए दिखाई दे रहा है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उससे आप ज्यादातर क्या उम्मीद कर सकते हो। 13 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी अच्छे फोटोस यहां पर दे रहा है, जूमिंग भी सही साइड दे रहा है, काफी अच्छी जूमिंग दे रहा है 13 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की जूमिंग आपको यहां पर देखने को मिल रही है और वीडियो क्वालिटी जो है वीडियो में भी आपको जो है यहां पर 6x की जूमिंग देखने को मिलती है। वीडियो में भी मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं, वीडियो के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो सर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।